IIL एक्सपर्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्रांतिकारी उत्पाद कायाकल्प के बारे में। दोस्तों, मैं हूं राजेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। आप जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड्स बनाता है और आपको हमेशा ही नए नए उत्पाद देता है। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ अपने नए क्रांतिकारी उत्पाद कायाकल्प की, जिसको इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के वैज्ञानिकों ने, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है, तैयार किया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये विषम टेम्परेचर्स में, यानी कि 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में और उधर 5 डिग्री तक के टेम्परेचर में अपने स्पोर्ट्स को मल्टीप्लाई कर पाता है। इसका मतलब ये है कि खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में इसका भरपूर इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि 4 बार अगर अपनी आप मेन क्रॉप में इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी कारणवश 4 बार अपने क्रॉप को पानी नहीं दे पा रहे हैं, 2 या 3 बार दिया, तो 2 सीजन के दौरान भी, जो लगे हुए सीजन हैं, आप अपनी क्रॉप के अंदर इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कायाकल्प का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, वो पहले सॉल्यूशन तैयार करने के दौरान अपने आप को, अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जब वो आपके खेत में चले जाते हैं तो भी उनकी पॉपुलेशन का लगातार मल्टीप्लिकेशन जारी रहता है और वो पूरे एकड़ के खेत को आपके कवर करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि कायाकल्प से जो खेत को आपने ट्रीट किया है, उस खेत के अंदर वही एग्रोकेमिकल जो आपके बाजू वाले खेत में कम असर दिखा रहे हैं, ज़्यादा असर दिखाएंगे, क्योंकि आपके जो पौधे हैं उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपके जो सॉयल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने फर्टिलाइज़र की डोज को, अपने एग्रोकेमिकल की डोज को, दोनों को कम कर सकते हैं। कायाकल्प का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपकी मिट्टी को पोरस बनाता है, यानी अगर आपके खेत की मिट्टी बहुत हद तक रिजिड हो गई है, जम गई है, तो उसमें जड़ों को फैलने में बहुत मुश्किल होती है। वहीं पर अगर ये मिट्टी स्मूथ हो जाती है तो आपके पौधे की जड़ें आराम से फैलती हैं। ये आपके खेत को हवादार बनाता है क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। उसके साथ साथ आपके खेत की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है? कम पानी से ज़्यादा उत्पादन। आज अगर हम ये पानी बचा सकते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आप ना ही सिर्फ पानी बचा रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं आप बिजली भी बचा रहे हैं और ज़्यादा खेती आप कर पा रहे हैं उसी अवेलेबल पानी से। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैमाना है, वो है कार्बन कंटेंट का। हमारे देश के अंदर, हमारे देश की मिट्टी के अंदर कार्बन कंटेंट बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। आज 0.6 से लेकर 0.2 तक का कार्बन कंटेंट हमारे खेतों में है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो ज़मीन है उसकी ताकत कमज़ोर होती जा रही है। कार्बन दो ही जगह रहता है, या तो हवा में या फिर ज़मीन में। अगर हम कायाकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्बन हवा से, जो इसके माइक्रोब्स हैं, लेकर ज़मीन के अंदर सेट करते हैं। दोस्तों, आज अगर आपको अपनी ज़मीन में कार्बन कंटेंट को ठीक करना है तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? या तो आप कई ट्रक गोबर की खाद अपने एक एकड़ खेत में डालें, कई ट्रक पत्ती की खाद खेत में डालें, जो कि बहुत हद तक अनवायबल है, या फिर कायाकल्प का एक डब्बी का इस्तेमाल करें, इसके सॉल्यूशन को खेत में डालें, तो आपको वही परिणाम मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपके खेत के अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ने लगता है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो देता है।